ऐसी भी प्रवीण के साथ। कबीर पूरी कोशिश कर रहा था अपने कुर्सी से बंधे हुए हाथ पैर खोलने की, लेकिन उस बंधे हुए मुंह से सिर्फ घुटी हुई आवाजें ही निकल पा रही थी और बड़ी मुश्किल से हिल पा रहा था। और उसके हिलने से कुर्सी थोड़ी बहुत कभी खिसटती तो कभी हिलती डुलती, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो जोर से कुर्सी समेत नीचे गिरा। कुर्सी वजन और धक्के से टूट के बिखर सी गई तो उस अंधेरी जगह पर किसी तरह अपने हाथ पैर कबीर ने छुड़वाए और अंधेरे में इधर उधर भागने लगा। बाहर से ट्रैफिक की आवाजें आ रही थी। दीवार पर कान लगा के सुनते सुनते एक जगह एहसास हुआ कि वो दीवार नहीं दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ ही था, बस कुंडी खोल के दरवाजे को खोला तो कबीर की आंखें बाहर की चिलचिलाती धूप की रोशनी से बंद हो गई। ऐसे घुप अंधेरे से इतनी तेज धूप में निकलते ही कबीर को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खून के गिर जाएगा। ऊपर सूरज की ओर एक पल को आंखें हथेली से ढक के देखा तो सूरज भी कभी इधर कभी उधर घूमता नजर आया। खुद पर किसी तरह काबू करके कबीर वहां से भागा और बदहवास से बस 15 मिनट तक भागता ही गया। दौड़ते दौड़ते एहसास हुआ जैसे बहुत हल्का सा है। अब अपनी जेबों में हाथ डाला तो पाया न मोबाइल फोन था न वॉलेट था, था तो सिर्फ एक टिकट जो उसके घर के स्टेशन का ही था। स्टेशन पास ही था। भागकर ट्रेन पकड़ी तो लोगों के बीच बैठकर लाख कोशिशें की, लेकिन वहां उस अंधेरे कमरे में कुर्सी से किसने बांधा या वहां पहुंचा ही कैसे, ऐसा कबीर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हाथों पर अभी भी रस्सियों के कसने के निशान बने हुए थे। सोचते सोचते ही कबीर ने एक बार पूरे कंपार्टमेंट में नजर इधर से उधर हर तरफ दौड़ाई तो पाया हर कोई कबीर को ही घूर रहा था। इस तरह से लोगों का घूरना उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसका स्टेशन आते ही वो तुरंत उतर गया और जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज चाल में चलता हुआ स्टेशन के पास ही अपने घर पहुंचा। पहुंचकर देखा कि दरवाजा खुला ही था। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। घर में घुसकर सारे कमरे चेक किए कि कहीं कोई पहले से घर में ना हो और जब पूरी तसल्ली हुई तो वापस अपने कमरे में जाकर बिस्तर पे कबीर बैठा तो बगल के टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ पाया। उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, जो तुम्हें मैंने दिया है वो तुम्हें किसी और को देना पड़ेगा वरना मारे जाओगे। कबीर इतने भयानक हाल से अभी ही निकल कर आया था और ऊपर से उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हुआ था,
किसी भी तरह के झमेले से वो दूर ही रहना चाहता था। बदन में बहुत दर्द हो रहा था तो सोचा ठंडे पानी से नहा के सीधे सो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीर बाथरूम में गया लेकिन शीशे में खुद को देखते ही उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई, क्योंकि कबीर के पूरे बदन पर चोटों के निशान थे। चेहरे पे जगह जगह दाग धब्बे बने हुए थे। बदसूरती की हदें पार हो चुकी थी। कबीर ने गुस्से में चिल्लाकर शीशे पर इतनी जोर से मारा कि शीशा वहीं टूट गया। पेशे से मॉडल कबीर अपने चेहरे के साथ समझौता नहीं कर सकता था। सर झुकाए हुए किस्मत को कोसते हुए कबीर ने एक आवाज ध्यान से सुनी। सर उठाकर देखा तो टूटे हुए शीशे के पीछे वाली दीवार पर लिखा था, जो तुम्हें मैंने दिया है वो तुम्हें किसी और को देना पड़ेगा, वरना मारे जाओगे। टूटे हुए nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. रोते रोते कबीर की आंखें थकान से भारी होने लगी, उस पे बेहोशी सी छाने लगी। बेहोशी के बाद दोबारा वैसे ही जागने का डर भी सताने लगा था उसे, और उसी थकान, डर और बेहोशी में एक आवाज उसके कानों में बोलती रही, मुझे मिटा नहीं सकते, 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 मुझे मिटा नहीं सकते। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। कबीर की आंख तकरीबन 2 घंटे के बाद बाथरूम में रखे बाथटब में खुली। उठकर कबीर ने दोबारा अपने चोटों के निशान देखे। चोटें बहुत गहरी थी। फर्स्ट एड एंटीसेप्टिक लगा के सोचा डॉक्टर के पास जाएगा, तो रूम में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स से एंटीसेप्टिक निकाला और रुई को उसमें भिगो के पहले जख्म पे लगाते ही कबीर चीख पड़ा, दर्द तो था ही लेकिन एंटीसेप्टिक जख्म पे छूते ही
बुरी तरह जलन होने लगी, जैसे किसी ने जलती हुई माचिस की तीली छुआ दी हो जख्म पे। कबीर को चीखते चीखते ही एहसास हुआ कि एक हल्की सी हंसी की आवाज भी लगातार चली जा रही थी। कबीर ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया उसे। कबीर ने फिर एंटीसेप्टिक लगाया और फिर चीखा, और इस बार हंसी की आवाज भी थोड़ी तेज सुनाई दी। और जिस ओर से हंसी की आवाज आई उस ओर देखा तो रूम में लगे बड़े से आईने पर लिखा था, पहला दिन कब्रिस्तान जाओ और डेविड थॉमस की कब्र के पास एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी तस्वीर दफन करो। रात का वक्त था। कबीर ने सोचा कि मॉडलिंग का करियर चौपट हो जाएगा इन सब निशानों की वजह से। न जाने वो कौन सी धुन में था कि कबीर ने अपनी फोटो उठाई और सीधा पास वाले कब्रिस्तान की ओर भागा। एक डेविड थॉमस नाम के आदमी की कब्र ढूंढी और उसके पास अपनी एक फोटो दफना दी और वापस आकर चुपचाप सो गया। रात भर उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह खुली हुई खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी से कबीर की आंख खुली तो उसने देखा कमरे में मिट्टी चारों ओर फैली पड़ी थी। कबीर ने कमरा साफ करते करते अचानक एक बात पर गौर किया, बदन में दर्द कल जैसा नहीं था। आईने में खुद को देखा तो कबीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके गहरे जख्म अब धीरे धीरे भरने लगे थे। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। कबीर के लिए एक राहत की बात थी ये कि उसको मॉडलिंग करियर के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। खुशी खुशी उसने सोचा कि डॉक्टर के पास भी आज हो आएगा। कपड़े बदलकर निकल पड़ा कबीर डॉक्टर के पास जाने को और नीचे सड़क पे एसी बस पकड़ी। सफर लंबा था तो बस में बैठे बैठे कबीर को रास्ते में झपकी सी आई। नींद में भी उसे महसूस हो रहा था कि कैसे बस एक एक गड्ढे और स्पीड ब्रेकर से होती हुई जा रही थी। और इसी बीच कबीर को साफ साफ समझ आया कि उसकी शर्ट की जेब में किसी ने हाथ डाला और सरका के कुछ रख दिया। कबीर एक झटके से चौंक कर उठा तो देखा कि बगल की सीट खाली पड़ी थी। आगे और पीछे जो लोग बैठे थे वो या सो रहे थे या फोन पर बातें कर रहे थे। कबीर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि एक कागज का टुकड़ा रखा था। उस कागज के टुकड़े को निकाल कर देखा तो उस पर लिखा था, दूसरा दिन दफन की हुई तस्वीर पर थोड़ा पानी डालाओ। कबीर ने इधर उधर देखा और वो कागज का टुकड़ा फाड़कर वही सीट के नीचे डाल दिया। बस क्लिनिक के पास ही रुकी। कबीर उतरकर क्लिनिक पहुंचा
और डॉक्टर ने सब कुछ चेक करने के बाद कबीर को दवाएं देते हुए कहा, ये कुछ दवाएं लिख दे रहा हूं, इनको पानी के साथ ही लेना और पानी जितना हो सके उतना ज्यादा पीना। डॉक्टर के ये कहते ही कबीर को पानी में से हो सकती सारी मुमकिन आवाजें वहीं क्लिनिक में बैठे बैठे सुनाई देने लगी। कबीर के कानों में वो आवाजें गूंजते गूंजते इतनी तेज होने लगी थी कि उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और जब बर्दाश्त नहीं हो पाया तो उसने सामने रखी प्रेस्क्रिप्शन उठाई और जितनी तेज हो सका वहां क्लिनिक से बाहर भागा। बाहर जोरों की बरसात हो रही थी। इस वक्त कबीर एक बार फिर पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। कुछ न दिखाई दे ऐसी एक बरसात में भीड़ और हर चीज के बीच से बस कबीर भागा जा रहा था और भागते भागते अचानक एक बार पहले की तरह फिर से कबीर को एहसास हुआ। वो रुका, जेब देखी, न मोबाइल था न वॉलेट, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, पानी डालना मत भूलना वरना मारे जाओगे। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। कबीर का हाल बुरा ही था। बरसात के पानी से जख्मों पर जलन सी हो रही थी जबकि जख्म तो भरने लगे थे। वापस घर पहुंच के कबीर ने खुद को दोबारा आईने में देखा तो पाया उसके जख्म फिर से हरे होने लगे थे। गुस्से में कबीर ने वो कागज फाड़ा तो नहीं लेकिन उसमें लिखा काम किया भी नहीं। कागज बिस्तर के पास टेबल पर किसी एक कोने में रख के कबीर दवाइयां खाकर सो गया। सुबह उठ के कबीर का हाल बेहद बुरा था। बदन में दर्द इतना था कि बस मौत ही आ जाए तो बेहतर हो। जरा सा हिलने पर ऐसा भयानक दर्द हो रहा था जैसे पूरा बदन छुरी से छील दिया हो किसी ने। कबीर कराहता हुआ अपने बिस्तर से उठा और आईने के सामने गया तो खुद को देखकर उसे घिन सी आने लगी। पूरा बदन जगह जगह से कटा और छिला हुआ था। दर्द बढ़ता जा रहा था और कबीर शीशे में खुद को देखकर रो रहा था। और इतने में उसे पीछे टेबल के पास कोई आवाज सुनाई दी। पलट के कबीर ने देखा तो उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, दूसरा और तीसरा दिन फोटो पर पानी डालो और अनाज के कुछ दाने वरना मारे जाओगे। कबीर ने देख ही लिया था बात को न मानने का नतीजा। सीधे एक बोतल में पानी और अनाज के दाने मुट्ठी में लेकर सीधे बरसात में भीगता हुआ उसी कब्रिस्तान में पहुंचा और पूरी पानी की बोतल खाली कर दी जहां उसने अपनी ही तस्वीर दफन की थी और मुट्ठी भर का वो अनाज ऐसे बिखराया पूरी जगह पे
कि पूरे हिस्से में फैल जाए। कोई भी कसर कबीर ने अपनी ओर से नहीं छोड़ी थी। कबीर ये करके बारिश में वापस बेतहाशा भीगता हुआ घर पहुंचा तो बाहर देखा, बरसात में भीगती और बच्चों की तरह उसे देखकर रोती हुई कबीर की गर्लफ्रेंड सपना खड़ी थी और उसे देखते ही भाग कर लिपट गई। रोते रोते ही सपना ने बताया कि कैसे 2-3 दिन से कोई फोन मैसेज या मिल ना पाने से वो घबरा गई थी और जब यहां आई तो सिक्योरिटी से पता चला कि कबीर बाहर गया है, इसलिए वो रुक गई ताकि आज अपनी आंखों से कबीर को देख सके। कबीर सपना को गले लगाकर कुछ देर रोया और फिर उसे अपने साथ अपने फ्लैट में ले गया। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। सपना को बिठाकर कबीर उसके लिए चाय बनाने गया और चाय जब उबलने लगी तो कबीर कप प्लेट निकालने को पलटा कि तभी पीछे से एक आवाज उसे फिर से सुनाई दी। पलट के देखा तो किचन की स्लैब पे अभी भी लिखा जा रहा था, आखिरी काम, मैंने जो तुम्हें दिया है वो उसे दे दो और बचा लो खुद को। कबीर को जैसे सब कुछ समझ आ गया। उसने खुद को इतना बेबस, कमजोर और मतलबी कभी महसूस नहीं किया था। उसने चाय छानी और सामने रखी छुरी से उंगली हल्की सी काटी तो खून का पहला कतरा चाय में डाल दिया और वही चाय सपना को दी। सपना चाय पीते पीते कबीर को बता रही थी कि वो कितना घबराई हुई थी, कितनी परेशान थी। आज भी अगर कबीर ना मिलता तो सपना पुलिस के पास जाती। सपना कहती जा रही थी और कबीर उसे देखकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। सपना के कबीर के लिए अपने प्यार की बातें कहते कहते पता नहीं कब उसे लगा जैसे उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और जब सपना ने आंखें खोली तो देखा चारों ओर अंधेरा था और सपना के हाथ पैर एक कुर्सी से बंधे हुए थे। पूरे बदन में दर्द था और सिर्फ चोटें ही चोटें लगी हुई थी। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। अगर सपना बची तो अगली बारी शायद आपकी होगी।